नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एडवांस हथियारों को खरीदने का सपना देख रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ऐसा झटका दिया है जिससे पाकिस्तान अब मुंह के बल आकर गिरा है। और जो पाकिस्तान एडवांस हथियार खरीदने के सपने देख रहा था, उन सपनों पर अमेरिका ने पानी फेर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते ही होंगे कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भारत की तरक्की से मिर्ची लगती है। और भारत ने जैसे ही दुनिया के सबसे घातक और एडवांस अपाची हेलीकॉप्टर को अमेरिका से खरीदा, तो पाकिस्तान के मन में अपाचे का डर बैठ गया। और दोस्तों, उसी दिन से पाकिस्तान अपाचे का तोड़ खोज रहा है दुनिया के कई सारे देशों में। और दोस्तों, यदि अपाचे की बात करें तो दुनिया भर में कोई दूसरा हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं है जो कि युद्ध क्षेत्र में अपाचे को पछाड़ सके। और दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा सोच रहा था कि अपाचे से बढ़कर नहीं तो अपाचे के टक्कर का ही कोई योद्धा उसे मिल जाए, जिससे अपाचे हेलीकॉप्टर के बराबर की ताकत पाकिस्तान की आर्मी के पास उपलब्ध हो जाए। और दोस्तों, इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान पहुंचा अपने मित्र तुर्की के यहां पर और तुर्की से लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मांग करी। तब तुर्की के द्वारा $1.5 अरब में अपने T-129 हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान को ऑफर किया गया। और 2018 में पाकिस्तान और तुर्की के बीच में इस हेलीकॉप्टर को लेकर डील हुई। परंतु दोस्तों, यहां पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया। दरअसल जो तुर्की के जो हेलीकॉप्टर हैं, उनको इटली ने डिजाइन किया है। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में अमेरिका का बनाया गया इंजन लगा हुआ है। और दोस्तों, यदि T-129 की यदि पावर की बात करें तो यह अपाची से बढ़कर तो नहीं, परंतु अपाची को अच्छी खासी टक्कर दे सकता था युद्ध के मैदान में। और अब अमेरिका ने क्या किया कि तुर्की को साफ साफ इंजन देने से इनकार कर दिया। यदि तुम पाकिस्तान को यह हेलीकॉप्टर बेचते हो तो हम तुमको इसमें लगने वाले इंजन ही नहीं देंगे। हालांकि तुर्की ने खूब अमेरिका को मनाया, परंतु अमेरिका ने मना कर दिया। और दोस्तों, अमेरिका के दबाव के चलते तुर्की ने पाकिस्तान से इस डील को रद्द कर दिया। और दोस्तों, इसके बारे में कल पाकिस्तान ने यह जानकारी देते हुए बोला कि तुर्की का जो हेलीकॉप्टर था वो पाकिस्तान के लायक ही नहीं है, इसीलिए तुर्की से पाकिस्तान अब T-129 नाम का हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेगा और इसके बदले में हम चीन से उसका Z-10ME नाम का अटैकिंग हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। और इसके बारे में चीन और पाकिस्तान के बीच में चर्चा जारी है और जल्द ही पाकिस्तान को Z-10ME नाम का अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। और दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से चीन के चंगुल में फंस गया है और जो हथियार पाकिस्तान को कई बार धोखा दे चुके हैं, वही हथियार पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है। बाकी आप सभी की पाकिस्तान के हालात के ऊपर क्या राय है और क्या आप सभी Z-10ME वर्सेस भारत के अपाची हेलीकॉप्टर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, यदि उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जल्द ही उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।